ग्रेटर नोएडा में भी घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया है। आपस में टकराई एक दर्जन गाड़ियां। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर यह घटना हुई है। आपस में टकराई एक दर्जन गाड़ियां जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और अस्पताल में गंभीर हालत में लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और अब उनका इलाज चल रहा है। आपस में टकराई है एक दर्जन गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर की ये तस्वीर। हादसे में कई लोगों की दुर्घटनाग्रस्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हादसे में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। घने कोहरे के चलते सड़क हादसा देखने को मिला। आपस में एक दर्जन गाड़ियां टकराई हैं और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, एक दुखद घटना, एक दुखद तस्वीर देखने को मिली। घने कोहरे के चलते एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो है सुबह जो है एकदम से कोहरा छाया और उसके बाद ये पूरा सड़क हादसा हुआ है कोहरे के चलते, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर जो है स्पीड जो है जिस तरह से स्पीड भी काफी रहती है वाहनों की और उसके बावजूद ये कोहरे की वजह से पहले जो है ये डबल डेकर बस जो है ये टकराई और उसके बाद में एक का एक जो है दर्जनों वाहन जो है आपस में टकराते गए जिसमें कई दर्जन लोग घायल हैं और हालांकि क्योंकि हादसा काफी बड़ा है कई लोगों को गंभीर चोटें भी आए हैं। हालांकि अभी किसी के जो है मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं है फिलहाल, लेकिन लोग काफी गंभीर रूप से घायल हैं और भारी पुलिस फोर्स मौके पर है। सभी को उपचार के लिए नजदीकी स्थानीय अस्पतालों में भेज दिया गया है, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है वो काफी बड़ा और काफी भीषण हादसा है। जी संजीव, बात करें तो जगह जगह से भी कई तस्वीरें इस तरह की देखने को मिली है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है तैयारी को लेकर भी कि घने कोहरे के बीच में अगर गाड़ियां उस रफ्तार से चल रही हैं तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे जो है जिस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है, प्राइवेट कंपनी को इसका पूरा टेंडर दिया हुआ है जी, और ये जिम्मेवारी प्राइवेट कंपनी की बनती है। जब कोहरा पड़े तो वाहनों को सचेत किया जाए या वाहनों को जो है इंडिकेशन दिया जाए जो वाहन चालक है कि घना कोहरा है, विजिबिलिटी काफी कम है, उस तरह के शाइन बोर्ड या उस तरह के लोग वहां पर तैनात किए जाएं या फिर उस तरह के जो है जो कर्मचारी है उनको तैनात किया जाए। लेकिन ये पूरी जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी दर्शाती है जिस तरह से पूरी घटना हुई है, इसमें गंभीर रूप से कई लोग घायल हैं। जी जी संजीव, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया आपका।